सबसे पहले सबको धन्यवाद देना चाहूंगा और थोड़ा लेट हुआ उसके लिए मैं और कोई बात नहीं। गाना बहुत प्यारा है, आप लोग सुने हैं और नया मेटर है। और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कुमार आनंद जी का जो इस गाने में इतना खर्च कर रहे हैं और इतने बड़े इवेंट आप लोगों को बुलाए बुलाए घर जाते हाँ ठीक है हाँ बिल्कुल। और चांद भी तो क्या गाना चाहते हैं हमारे बहुत प्यारे गाते हैं चांद भी गाइए हम जान तो पता आ जाएगा मिलकर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसलिए आगे करते रहेंगे हम लोग। अच्छा, लोग जब चांद जी का गाना आवाज सुनते हैं तो लोग सोचते हैं कि मणि मेरा के ही गाना, कई सारा कमेंट देख रहे हैं। मेरा लिप सिंक बैठता है ना, और दूसरा नंबर की मैं शुरू से इनका गाना कर रहा हूँ। और इनका गाने मुझे प्रश्न बहुत पसंद है। चलिए पसंद है, कॉमेडी है खजाने का, एक गाना भी मैं लेकर आ रहा हूँ साफ सुथरा। और देखिए कॉमेडी कॉमेडी है यादव के बड़ा मची यूनिक लेके आएंगे तभी आप लोग और जितने भी हमारे दर्शक है सुने, ताकि रोज रोज खिचड़ी नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ चटपटा लगाना पड़ेगा। और नया मेटर चांद जी हमेशा घूमते रहते हैं और बस ये गाना अच्छा गाते हैं, अच्छा बनाते हैं और यूट्यूब के पीछे काम करता हूँ, बाकी पब्लिक का ध्यान सपोर्ट देते रहता है। गाना है, गाना डीजे में बसता है तो इसे दूर ही रहना चाहिए। यहाँ तीन बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, जितना तारीफ आपको किया जाए मणि मेहरा जी उतने ही तारीफ आवाज में चांद जी को किया जाए। और बंधु दी ग्रेट का भी लाजवाब है, इनका भी कोई चेहरा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मणि जी तो एक बेहतरीन एक्ट्रेस और उनके भी टैलेंट बहुत ज्यादा है और मैं चांद रहेंगे और बाकी बात भी नहीं कहूँगा क्योंकि आप लोग तो मुझे बोलते हैं। नाम चेंज हो गया, सीधा हो गया, क्या कुछ कर दिया, क्या बात है। ये आप लोगों का प्यार है, आप सभी दर्शकों का प्यार है। और अभी ऐसा हो गया अक्सर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो कोई मुझे वन ऑफ द ग्रेट नहीं, वन ऑफ द ग्रेट कौन और शीला दादा बोलती,
लिए आप लोगों का प्यार है। हमारे साथ अभी ये जो एमपी कुमार सर है वो भी बैठे हुए हैं। सर आपसे सवाल रहेगा, बड़ा ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है आपका और पूरी टीम एक साथ स्टेज पे भी है, सुबह से बहुत अच्छा रिस्पांस प्यार मिल रही है, दर्शक जो भर भर के प्यार दे रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा और क्या कहना चाहेंगे बोलिए दर्शक से। और इस गाने में जो भवि है चांद जी का, ये बहुत ही इस गाने को मणि मीरा जी के एक्टिंग में और चांद जी की आवाज में इतना निखार दे दिया है कि बहुत प्यार दिया है। और आप लोगों को मेहरबानी है कि आज इस अच्छे खासे व्यू भी आ रहे हैं और इस गाने का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और एप में मनोज जी जो किए हैं इसका एप खुला जमा है और तारीफ काबिल है मनोज जी का और चाम जी का और हमारे स्पेशल मणि मीरा जी का इतना अच्छा आप किए हैं। और अंधेरे को अगर गाना आया हुए हैं तो जो इस पांच दिन पहले रिलीज हुए हैं सब सवाल आपका जवाब दे रहे हैं, दो दो मिनट दीजिएगा। इस गाने में जो किस तरह से हमें मणि मीरा जी इस गाने को टोटल क्रेडिट एज ए मणि मीरा जी को जाते हैं इस गाने के लिए सेलेक्ट करने के लिए और फिल्म के लिए इस गाने का बहुत बहुत धन्यवाद मणि मीरा जी को एक बार जब बात ऐसा खाने का है तो बोलते हैं सब्जी खाए खाती जा मुर्गा बोलो खाती जाए ऐसा भी तो खत्म हो गया है देखिए यूनिक लेके आएंगे तभी आप लोग और जितने भी हमारे दर्शक है सुनेंगे, क्या कि रोज रोज खिचड़ी नहीं चाहिए तो कुछ ना कुछ चटपटा लाना पड़ेगा और चांद जी हमेशा ढूंढते रहते हैं और बस ये गाना अच्छा गाते हैं अच्छा बनाते हैं और हम लोग वीडियो के पीछे काम करता हूँ और बाकी पब्लिक का प्यार सपोर्ट मिलते रहता है। गाना है भाई, गाना डीजे पे बजता है तो इसे दूर ही रहना चाहिए बिल्कुल। वन्नु जी तो एक बेहतरीन एक्ट्रेस और उनके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है चांद भाई में, और बाकी मैं अपने लिए नहीं कहूँगा क्योंकि आप लोग तो मुझे बोलते ही नहीं। ये आप लोगों का प्यार है, आप सभी दर्शकों का प्यार है और अभी ऐसा हो गया अक्सर मैं कहीं बाहर जाती हूँ नहीं
हनुमान जी रोज फूल सबसे पहले जितने लोग यहाँ पे आए हैं सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम। गाने बहुत अच्छे हैं और कुमार अरुण जी का ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, विराज भाई और वनू जी बहुत अच्छा इसमें कास्ट किए हुए हैं और चांद भाई का तो कोई बात ही नहीं है, लाजवाब है, बहुत अच्छा गाना है। आप लोग इसको शेयर करें और बहुत सारा प्यार है। कमेडी हो जाए कुछ क्या लग रहा है अगला बार जब मेहमान बाजी का जाइएगा तो मिठाई लेकर जाइएगा। सबनी के गोर छू के प्रणाम करता, सबनी के हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, काहे कि रे वो लोग के गोर गंदा बा। ये भी आपसे सवाल है कि बोले कि ग्रेट के साथ जो भी गाना आप गाता है ब्लास्ट कर देता मतलब क्या कुछ गाने का सुनाया। देखिए बड़ा तो हो जाता है और इनका जलवा भी है, हो सकता है कि लव हो उन्हीं के साथ, जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं सारे के सारे ब्लास्ट हो गए हैं। बनारस पटना होते रहता है, तो जब भी मेरा कोई काम आता है, जब भी मेरा कोई गाना शूटिंग रहता है, मैं इनको बुलाता हूँ तो आने के लिए। ये गाना इनको भेजे तो बहुत पसंद आया क्योंकि ये मुझे बोले कि मुझे कोई भी गाना देखिए इतना बड़ा और जोड़ी अच्छा लगता है और इसलिए इनके साथ काम ज्यादा करते हैं और बहुत खूबसूरत काम भी करते हैं, आपको ही पता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर वीडियो काम करे तो ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए मेरा फिल्म बड़ी पसंद शुरू हो चुकी है जी। क्या किया मूवी आ रही है कब तक आएगा? इसलिए मैं यहाँ पे किया हूँ कि मेरा फिल्म आ रही है और 90% फुल हो चुका है और होली के टाइम में रिलीज हुई। देखिए अभी फिल्म आ रही है, अभी कौन आप लोगों ने बताया, बस फिल्म का नाम वेलकम है, वेलकम। देखिए आप जैसे मनी मिराज को देखते हैं कॉमेडी में, वहाँ भी वही नजर अभी आएंगे। आने को लेकर दर्शकों से सर क्या कहिएगा, इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है लगातार लाखों व्यूज का पार कर रहा है, इनको क्या कहना चाहिए, कहना चाहिए दर्शकों से क्या कहिएगा, दर्शकों से। अरे दर्शक तो ही प्यार देते, तभी तो मनी मिराज आज यहाँ बैठा है। आप सुबह अपने अंदाज में थोड़ा इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं आप, अरे इतना सारा प्यार एकदम कहीं, और बस यही प्यार मुझे देख रहा और गाना तो एकदम फाड़ू फाड़ी है, एक और गाना फॉलो अप ना हो, समझ लीजिए कि जो भी गाना आएगा ब्लास्ट आएगा और हम दोनों भाई मिलकर कुछ नया लाएंगे, कोई पुराना नहीं, कोई कॉपी नहीं किसी का। मानी जी बलून द ग्रेट का टैलेंट तो आपने बता दिया, टैलेंट है लेकिन उनका डांस को डांस के बारे में आप बताएं कि डांस इनका कैसा है? टैलेंट में डांस वाला नहीं है। क्या पसंद आया कि इनको डांसिंग में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये डांस भी अच्छा करती है, एक्सप्रेशन भी अच्छा देती है, हर चीज अच्छा है। शादी कब कर रहे हैं? शादी अच्छा शादी करेंगे तो आप लोग पता चलेगा। अरे बिल्कुल सिल्वर बात चली भाई, क्या चल रहा है, चक्कर वक्कर में नहीं रहते हैं हम, काम करते हैं।
इस गाना को शेयर कीजिए, अच्छा गाना है और आप लोग ऐसे गाने को प्रमोट करना चाहिए। मेरा सवाल चांद जी से रहेगा, बड़ा अच्छा गाना गाया आपने दर्शन प्यार का। क्या अगला जस्ट प्रोजेक्ट जस्ट देखने को मिलेगा कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट पे, ताकि भोजपुरी ऑडियंस जिस तरह से अभी फिलहाल गाने को पसंद कर रही है, लिरिक्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, म्यूजिक बड़ी कमाल की बन रही है, तो त्रिमूर्ति से अगला प्रोजेक्ट आपका कौन सा आने वाला है, कुछ दर्शकों के लिए खुलासा करेंगे? लेकिन क्या है कि जो रहेगा उम्मीद है कि आप लोगों की उम्मीद से बेहतर आएगा, क्योंकि हम लोग हमेशा से सोच सोचे रखते हैं, ना हम लोग अश्लील गाते हैं और ना ही कोई फिजूल वाले सॉन्ग गाते हैं, हम लोग जो भी गाते हैं बेहतर गाते हैं, साफ सुथरा गाते हैं, और हमारे साथ जितने भी लोग वर्क करते हैं, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, और जितने भी लोग हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, सभी बेहतर हैं और सभी अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अगला प्रोजेक्ट भी बहुत पसंद आ रहा है। जाते जाते सवाल मनी मेराकी से रहेगा, पूरी टीम ने, कंपनी ने जिस तरह से आप लोगों ने गाने में चार चांद लगाया है, त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी और क्या कुछ अगला कॉन्सेप्ट है बड़े लेवल की? देखिए आएगी तो जरूर, और मतलब ऐसा नहीं है कि एक आ जाएगा, इनसे जुड़ के मुझे काम करना है और बहुत लंबा काम करना है, तो हमेशा आती रहेगी गाना त्रिमूर्ति कंपनी से और त्रिमूर्ति म्यूजिक कंपनी से। चलिए सर का जी बहुत बड़ा है और गाने के पीछे बहुत मेहनत कर रहा है, खर्चा कर रहा है, तो प्रोड्यूसर ऐसा चाहिए भोजपुरी में जो गाने में बजट लगा। देखिए मैसेज क्या है, बस हमें हर बार अगर हम कभी मायूस हो जाते हैं या खुद को हौसला बढ़ाना होता है तो एक गाना हमेशा गुनगुनाते हैं कि पिघला दे जंजीरे बलम की शमशीरे कि कर हर जो आप लोग का जगह बनाया है, क्योंकि हम आगे दूसरे गाने का प्लेट को आप